ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां। हे गाइस, आई होप आप सब लोग जहाँ पर भी हैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आज का वीडियो शूट कर रही हूँ दक्षई से। दक्षई कहने को तो चंडीगढ़ से 1.5 से 2 घंटा ही दूर है, लेकिन अगर आप वेदर की बात करते हैं, यहाँ का वेदर मतलब आपको एक ड्रास्टिक चेंज समझ में आएगा। इट्स जस्ट अमेजिंग वाओ। मतलब हम लोग सुबह आए थे यहाँ पर 8 o'clock, तब बहुत अच्छा प्लेजेंट सा वेदर था। दिन में यहाँ पे बारिश आ गई और अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना नवंबर दिसंबर वाली ठंडी यहाँ पर है। और हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, जो है ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ का बेस्ट पार्ट यहाँ है कि यहाँ पर ना इतनी ग्रीनरी है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 18 चैरिंग क्रॉस, तो ये है ब्यूटीफुल पीस ऑफ हेवन जहाँ पर आप ये देख रहे हैं इतनी सारी ग्रीनरी। ये जो होटल है यहाँ पर बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आई थिंक कि जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप फैसिलिटीज़ को कम इम्पोर्टेंस देते हैं और आसपास की जो जगह है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा जो एरिया है, जहाँ तक भी आप देख रहे हैं पूरा ग्रीन है। यहाँ पर छोटी छोटी कॉटेजेस बनी हुई हैं, बेसिकली छोटे छोटे रूम्स हैं जिसमें आपको नॉर्मल फैसिलिटीज़ मीन्स बेड, सोफ़ा, वेदर थोड़ा ठंडा है तो गीज़र, इस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन एक मतलब आपको एक फीलिंग आती है कि आप नेचर के बिल्कुल पास हैं। हम लोग यहाँ पर जून में भी आए हुए हैं, अगस्त में भी, और इस बार सितंबर में भी, लेकिन मुझे नहीं याद हमने यहाँ पर कभी भी फ़ैन्स का यूज़ किया है। इन्होंने सेफर साइड कुछ टेबल फ़ैन्स दिए हुए हैं, लेकिन कभी भी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसी जगह पर आके रूम में रहना ही किसको है, या तो आप बाहर घूमने निकल जाइए और या फिर बाहर बैठ के वेदर का मज़ा लीजिए। अब यहाँ पर शाम होते ही ये हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पर जो केयर टेकर हैं वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाय पकौड़े एकदम रेडी कर देते हैं। बच्चों को अगर खेलने का मन है तो इन्होंने टीटी टेबल और कैरम भी प्रोवाइड कर रखा है। टॉमी मेरा दुश्मन और मिष्टी का पुराना प्यार। नाउ टाइम फॉर मॉर्निंग वॉक। मिष्टी ढूंढ रही है सुबह सुबह भैया कहाँ चला गया उससे पहले उठ के। ये कौन सा लेटर है? यहीं से आ जाओ। वो थोड़ा थोड़ा आगे।
मिष्टी वापस घर जाने के लिए रेडी है और बटरफ्लाई की तरह उड़ रही है। एंड हियर कम्स माय सेकंड लव ऑफ लाइफ, आलू पराठा। मैं पकड़ू तुम्हारा हाथ, बॉडी वाटर में भी नहीं होना चाहिए था। आग के बिछड़ने के बाद कांदों में गुस्से में वो तो है ये यकीन, एक दिन हम मिल जाएंगे साथ। तो ऑफिस की हेक्टिक लाइफ के बाद ये एक छोटा सा ट्रिप था जो कि नेचर के बहुत करीब था। होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।